गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज मैं काफी दिनों बाद जंगल में शिकार करने आया हूँ, पर गाइस काफी देर हो गई, मेरे को एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा। पता नहीं वो सभी जानवर अचानक का गायब हो गए, शायद मेरे से पहले कोई आकर उनका शिकार करके ले गया। चलो वहाँ जाकर पता करते हैं। गाइस यहाँ पर तो सच में एक भी जानवर नहीं है, पर मैंने एक को खोज लिया। जल्दी से इसको मार देता हूँ, नहीं तो ये भी भाग जाएगा। ओ माई गॉड, मेरा तो निशाना चूक गया। चलो जल्दी उसका पीछा कर उसका शिकार करते हैं। पर गाइस वो तो यहाँ से चला गया, शायद मैंने उसको खो दिया। अब मैं किसका शिकार करूंगा? देखो झाड़ियों के पीछे कोई हलचल हो रही है। पर गाइस यहाँ पर जानवर नहीं बल्कि अजीब से कपड़े वाले इंसान है, मेरे को जल्दी छुपना होगा। ये सभी तो स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट लग रहे हैं, और गाइस इनके सामने तो एक अंडा पड़ा हुआ है। चलो इनको पत्थर मार कर मैं बेहोश कर देता हूँ। इसके बाकी दोस्त तो गुस्सा मान गए और मेरे को मार रहे हैं। मेरे को जल्दी कुछ करना होगा। ओके तो गाइस आप देख सकते हो इनका काम तमाम हो गया, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा ये यहाँ पर कर क्या रहे थे। चलो जल्दी अंडे के पास चलते हैं। आखिर ये अंडा किस चीज का होगा? मेरे को इसको तोड़ना होगा, तभी पता चलेगा ये किसका है। यार ये तो टूट भी नहीं रहा, काफी ज्यादा मजबूत लग रहा है। चलो इस बार आग लगा देते हैं, शायद ऐसा करने से ये टूट जाए। देखो अंडा तो नहीं टूटा, पर एक्स्ट्रा नोट जल गया। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं इसको तोड़ू कैसे। चलो जल्दी लगाकर आखिरी बार ट्राई करते, पर मेरे को दूर जाना होगा, शायद वो टूट गया होगा। वो तो जाकर ही पता चलेगा। यार वो अंडा तो टूट गया, पर उसके अंदर से कुछ नहीं निकला। देखो झाड़ियों में शायद वहाँ पर कोई है, मेरे को ठीक से नजर नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, ये तो इंसान नहीं लग रहा, और इसके तो सांप जैसे पूछ भी है। शायद उस अंडे के अंदर से शैतानी सांप बाहर निकल आया। देखो मैंने इसको उठा लिया, पर मेरे को कौन मार रहा है? ये तो आदिवासी लग रहे और मेरे को मारे जा रहे। चलो इसको फेंक कर इनका काम तमाम कर देते ताकि ये मेरे को ना मार पाए। ये आखिरी बची हुई है, मैंने तो सबको सुला दिया। पर गाइस वो रहस्यमय सांप यहाँ से कहाँ चला गया? मैंने तो उसको सामने फेंका था, शायद वो पानी में चला गया होगा। चलो अब जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करते। वो राक्षस तो वापस आ गया और लोगों को मार रहा है। अच्छा हुआ मैं छुप गया, नहीं तो इसके हाथों मारा जाता। शायद वो चला गया, मेरे को भी यहाँ निकलना चाहिए। चलो पहाड़ पर चढ़कर हम ऊंचाई पर चलते हैं। पर गाइस वो राक्षस अभी भी सामने लोगों को मार रहा है, शायद वो सभी को मार कर यहाँ से जाने लग गया। इसको तो मेरा भी पता चल गया, शायद अब तो मैं मरा। अरे भाई बस कर, और कितना मारेगा, मैं आज मरना नहीं चाहता। चलो पानी में तैर कर हम दूसरी तरफ चलते हैं, शायद वो इधर ना पाए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है उसको पानी से डर लगता है, तभी वो यहाँ से भाग रहा है। आखिरकार मैं उसके हाथों बच गया। पर गाइस अचानक से जंगल में धुंध छा गई, और यहाँ पर तो एक घर भी है। पता नहीं जंगल के अंदर किसने अपना घर बनाया होगा। देखो गाइस पीछे की तरफ वहाँ से कोई आ रहा है, मेरे को जल्दी छुपना होगा ताकि मैं उसको ना दिख पाऊँ। वो तो घर के अंदर चली गई। पर गाइस इसके पीछे भी सांप के जैसी पूछे, हो सकता है ये नागिन हो, कहीं मेरे को ना देख ले। शायद वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ चली गई। चलो उसको छुपकर देखते हैं, शायद ये नागिन जंगल वाले सांप की बीवी होगी। मेरे को इससे भी संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये उससे भी भयानक लग रही है। क्यों ना मैं इस घर को जला दूं ताकि वो भी मर जाए, क्योंकि मैंने सुना है सांप को जलाने से वो पूरी तरह से मर जाता है और फिर बदला लेने नहीं आता। देखो कितने सारे धमाके हो रहे, मेरे को तो नहीं लगता इस आग से कोई बच पाया होगा। शायद धमाके की वजह से वो यहाँ आकर गिर गई, कहीं ये जिंदा ना हो जाए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। पर मेरे को नहीं लगता ये जिंदा है। ओ भाई साहब, ये तो वापस जिंदा हो गई। चलो इसको मार कर यहाँ से भागते, तभी मैं उससे बच पाऊंगा। पर गाइस समझ नहीं आ रहा आखिर मैं जाऊँ कहाँ, बेचारा ये भी डर गया। ओ माई गॉड, सामने से जंगली सांप आ गया। मेरे को बीच रास्ते से कूदकर अपनी जान बचाना होगा, पर वो तो यहाँ भी आ गया। अब तो बचने का एक ही रास्ता है, मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ। पर वो नागिन वापस आ गई और हमला भी कर दिया। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं किस किस सांप से सामना करूँ। शायद मेरे को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब बचना नामुमकिन है। चलो ब्रिज पार कर आगे खड़ा हो जाता हूँ, और अब यहाँ से निशाना लगा कर उसको घायल कर देता हूँ। इसने तो हार मान ली और हाथ भी खड़े कर लिए, क्यों ना इसका भेजा उड़ा कर इसको जान से मार दूँ। सामने से इसका पति भी आ गया, चलो उसको धमकाते। सर मेरी बीवी
को छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर नहीं गया तो आप हम दोनों को मार देना। ठीक है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो वो दोनों हमेशा के लिए चले गए। अब मेरे को भी घर चले जाना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो मैं ऐसे शानदार वीडियोस बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।